आज की वीडियो में बताऊंगी गूगल क्रोम के होम पेज को आप कैसे चेंज कर सकते हो। एक बहुत कमाल की सेटिंग है और आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। आप वीडियो को पूरा देखना और उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये कितनी यूज़फुल सेटिंग है आपके लिए। देन जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बी स्मार्ट विद एस आर के। अगर आप गूगल क्रोम होम पेज चेंज करना चाहते हो देन आप आसानी से कर सकते हो और ये आपको टाइम को भी बचाता है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है आपके लिए। कैसे करना है, किस तरह से करना है, आगे की वीडियो में आपको बताती हूँ। आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कुछ गूगल का जब सरफेस आप गूगल को ओपन करते हो, गूगल क्रोम की ऐप को ओपन करते हो, देन इसका सरफेस कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे शो होता है। यहाँ पे गूगल आ रहा है, यहाँ पे आपको कुछ सर्च करना है, देन उसके लिए यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे जो कुछ साइट्स आएंगी उन साइट में से आपको जो भी साइट आपके अकॉर्डिंग चाहिए हो आपको साइट पर क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट किसी साइट को ओपन करना चाहते हो देन आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे आपको जाना है थ्री डॉट्स पे। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग में आपको जाना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है होम पेज का। अगर ये सेटिंग आपके में ऑफ है देन प्लीज़ इसको ऑन कर लेना। और उसके बाद यहाँ पे सेकंड स्टेप आपको ये करना है, यहाँ पे कुछ इस तरह का URL दिया होगा, आपको इस URL को हटाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो भी आपके होम पेज में क्रिएट करना है, यूट्यूब, फेसबुक, आप जो भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो कि क्या आपको होम पेज पे क्रिएट करना है। जैसे कि मान लीजिए मुझे यूट्यूब करना है, देन यहाँ पे मैं लिखूँगी यूट्यूब, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरा URL लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है www.youtube.com, ठीक है। ये आँख पूरा इसका URL लिखना है। नीचे आपको यहाँ पे रीसेट का ऑप्शन मिलता है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो देन आप कर लेना, कैंसिल करना चाहते हो देन आप कैंसिल कर लेना। अगर आप इसको वाकई में होम पे चेंज करना चाहते हो देन यहाँ पे आपको सेव कर देना है और सेव के ऑप्शन पे आप क्लिक करते हो। यहाँ पे देखिए, पहले जहाँ पे कुछ और लिखा आ रहा था वहाँ पे www.youtube.com लिखकर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बैक हो जाना है और उसके बाद यहाँ पे आपको आ जाना है गूगल पे, ठीक है। अब आप उसको चेक कर लो, ये देखिए इस तरह का यहाँ पे होम पेज दिख रहा है। यहाँ पे आपको ये जो होम का आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो उसके बाद ये देखिए यहाँ पे अब आपके पास यूट्यूब ओपन हो चुका है। देन इस तरह से आपको किसी भी साइट को ओपन नहीं करना पड़ रहा है, किसी भी साइट पर नहीं जाना पड़ रहा है और आसानी से आपका यूट्यूब जो है वो ओपन हो जा रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर हिंदी में, अगर आप इसको इंग्लिश में करना चाहते हो देन यहाँ पर इस तरह से इसको इंग्लिश में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपको सिर्फ होम के आइकन पर क्लिक करना है और आपका यूट्यूब आ जाएगा। इसके लिए आपको किसी भी साइट को नहीं डालना है, किसी भी लिंक को नहीं क्लिक करना है और डायरेक्ट आप होम पेज पे पहुंच जाओगे, यानी कि डायरेक्ट आप अपने यूट्यूब पेज पे पहुंच जाओगे। इस सेटिंग का यूज़ करके आप डायरेक्ट अपने यूट्यूब पेज पे पहुंच जाओगे। यूट्यूब पेज की जगह पे आप यहाँ पे अपना फेसबुक पेज या कोई आपका जो भी अदर वर्क हो आप उससे रिलेटेड पेज को यहाँ पे इस तरह से होम पेज में क्रिएट कर सकते हो और इसकी मदद से आपको किसी भी साइट पे बार बार जाकर चेक नहीं करना पड़ता। डायरेक्ट आपके होम के आइकन पर क्लिक करके आपने जो पेज सेव करा था वो ओपन हो जाएगा। तो ये थी कमाल की सेटिंग जो आपके लिए यूज़फुल है, साथ ही साथ आपका टाइम भी सेफ होता है। आई होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इसी तरह की यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी फ्यूचर में आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।